देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही है जो कि कई किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर लेती है। वहीं पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाली रेलवे मार्ग में 145 किलोमीटर का सफर यात्रियों को पूरा करने में 9 घंटे तक लग जाते थे, जिसको देखते हुए रेल मंत्रालय की ओर से पठानकोट में बैजनाथ के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई जो कि आज पहले दिन पठानकोट से पपरोला के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में जहां सफर 5 घंटे का रह गया, वहीं इसका फायदा व्यापारियों को और रोज इस ट्रेन में सफर करने वालों को मिलेगा। इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों से हिमाचल में धार्मिक स्थानों के दर्शन करने के लिए जाने वाले सैलानियों को भी इसका फायदा मिलेगा। सुबह 9:20 पर यह ट्रेन पठानकोट से रवाना होगी और शाम को 4:20 पर यह उधर से चलेगी, जिसको लेकर सैलानियों और ट्रेन में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे विभाग की ओर से शुरू की गई एक्सप्रेस ट्रेन में 4 डिब्बे जोड़े गए हैं, जिसमें बढ़िया किस्म की सीटें यात्रियों के आराम को देखते हुए लगाई गई हैं। इसके अलावा वीवो में फ्री वाईफाई सिस्टम भी यात्रियों को दिया गया है ताकि वह हिमाचल की वादियों में जहां तेज रफ्तार का आनंद लेंगे, वहीं नेट पर उस इलाके की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। इस बारे में सैलानियों और रोज सफर करने वाले यात्रियों ने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रयास है, इससे जहां सफर कम होगा वहीं व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। जो लोग हर रोज इस ट्रेन में सफर करते हैं वो जल्द अपना काम खत्म कर शाम को इसी ट्रेन से वापस आ सकेंगे। इस ट्रेन को आज पहले दिन ले जाने वाले लोको पायलट से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इसका पहले दिन चलाकर उद्घाटन कर रहा हूँ। यह 145 किलोमीटर का सफर अब 4-5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इससे जहाँ सफर कम होगा वहीं व्यापार और सैलानियों में भी वृद्धि होगी। मैं चाहना कि ये ट्रेन पहला जी जल्दी 9 घंटे वास्ते 9 घंटे टाइम लगता सी वैगनआर, हूँ 4-5 घंटे से रस्ता तय कर रही है। स्टूडेंट है गया, जाना पैंता है, लेट वगैरह हो जाता कभी। वधिया गाइड ट्रेन चल गई है, हाँ जी अज शुरू हो रही है। हाँ जी ये धन्यवाद कर ट्रेन स्टार्ट हुई है, इधर तो एक्सप्रेस स्टार्ट हुई है तो लोगों बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो जोड़े लोग दूरों दूरों दर्शन करने आते हैं ब्रजेश्वरी देवी चमंडा देवी जेडे दर्शन जिन्हों टाइम लगता सी 8-9 घंटे का, वो अपना टाइम जोड़ा है 5 घंटे उन्होंने पूरा करना। हूँ तो खुशी हैगी आ कि इन्ने एरिए डेवलपमेंट हो रही। ट्रेन का जो शुरू कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया गल है, ये टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा तो टाइम की बचत होगी। बाकी जोड़ा टाइम है वो सू काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंस है तो रोज़ आप सवेरे जाके शाम को आ भी सकते वापस। टूरिस्ट वास्ते ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, इस रोज़गार मिलेगा स्थानीय लोगों को। सफर पहले 9 तो ज़्यादा ही लगता ही टाइम, 9 घंटे तो ज़्यादा, हूँ मैक्सीमम 4-5 घंटे लगन गए, यानी कि हाफ ही लगेगा अगे नालों, ये नालों तो काफ़ी ज़्यादा सुविधा है। ट्रेन अज पूंजा 475 का उद्घाटन मैं पठानकोट साइड तो कर जा रहा, ये गड्डी बैजनाथ तक जाएगी। पहला जिहड़ियां गड्डियां दा टाइम लगता सीगा वो लगभग 7:30-8 घंटे लग जाता सीगा। यह गड्डी मतलब कि सरकार ने पब्लिक की डिमांड नूं देखदे होया फास्ट की, ये स्टॉपेज घटा के तो इस जल्दी तो जल्दी बैजनाथ तक पहुँचाने का मतलब कि जिहड़ा प्रबंध किया है। यह गड्डी इतों सवेरे 9:20 से चलिया करेगी तो 14:25 के उत्ते बैजनाथ जी पहुँच जाया करेगी। किन्ने किलोमीटर का सफर है जिहड़ा? ये सारे 142 किलोमीटर का सफर है जी पठानकोट तो बैजनाथ तक। व्यापार भी वधेगा जी, यहाँ यह कि जी मतलब कि सवारी दिल्ली साइड तो आती सी धौलाधार के बैठ के आती सी वो बाई रोड जाते थे इस तो हिमाचल में, उन्होंने लिए यह ट्रेन बहुत सोहनी है, काफ़ी मेहनत की है कोचा के उत्ते कोच बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए हुए है। किराया कि सर किराया बहुत यदा नियर अबाउट कोई 75 रुपये हैगा।